चाहता हूँ मुझे मौत वही हवेली में अपने लोगों के दरमियान आए, और मेरे जनाजा मेरे कबीले के लोग उठाए। अगर जान पहचान हो जाए तो? क्या जान पहचान, कोई पुराना ताल्लुक, कोई पुराना रिश्ता ढूंढ लिया तुमने? नया रिश्ता तो बना सकती हूँ ना ताहिर। मैं आगा जी से शादी कर लूं तो? देखिए अम्मा, बहुत वक्त गुजर चुका है, पुरानी बातें भूल जाइए ना। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसे तुम अच्छी तरह समझ लो और अपने दिमाग में बिठा भी लो। देखिए अम्मा, नौकरी सिर्फ वो इस घर की बेहतरी के लिए करना चाह रही है। इस घर को तो उसने अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया है, और हमारी बेहतरी की आड़ में कहीं वो कोई नया चांद न चढ़ा दे। देख ले बेटा, कहीं कलीम को पता चल गया तो फाइल ना गायब करवा दे। अमीन, नाजिम ऐसा लड़का नहीं है, और वो तो अब हमारी सबिया से शादी भी कर रहा है। दौलत की भूख सबसे पहले पास के रिश्तेदारों को ही हड़प करती है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, इज्जत है, नाम है, मकाम है, घर बार है, दौलत है, नौकर चाकर है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। तुम शादी करना चाहती हो ना मुझसे? तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। तुम्हारा वो पठान मरीज चला गया अमेरिका? नहीं, वो नहीं जा रहे। वो अमेरिका जाने के लिए ही तो आए थे। हाँ, वो मुझे लेकर जाना चाहते थे साथ, मेरे इनकार पर उन्होंने भी जाने का इरादा बदल दिया है। अरे पागल हो गया वो बुड्ढा, लो भला ये क्या बात हुई, उसे इलाज के लिए जाना है अमेरिका तो जाए, पर तू कोई उसकी मनकुआ तो नहीं है ना जिसे वो साथ ले जाना चाहता है। अम्मी, वो आगा जी के घर वाले चाहते हैं कि मैं आगा जी से शादी कर लूं। उनके ख्याल से आपको इससे एतराज भी नहीं रहेगा। दिमाग खराब हो गया उसका? अरे उसने उसने हमें क्या इतना लालची समझ रखा है कि मैं दो टकों के लिए अपनी फूल जैसी नाजुक बेटी को उस बुड्ढे से ब्याह दूंगी? उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन लालची और खुदगर्ज नहीं है। कैसे सोच लिया उन्होंने ऐसा? अम्मी अच्छा पानी पिए, थोड़ा सा पिए। शगो, कोई जरूरत नहीं उसकी नौकरी करने की, छोड़ दे। शर्मो हया नाम की चीज ही नहीं है। मेरी जवान जान बेटी उसकी आंखों को भा गई है, नियत खराब हो गई है उस बुड्ढे की। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आगा जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने कभी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अरे ऐसे ही होते हैं ये दौलतमंद बुड्ढे, तू नहीं जानती इन्हें। मुंह से तो मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन दिल के अंदर हवस और हरस भरा होता है इनके। अच्छा अच्छा, आगा जी को बुरा भला कहने से बेहतर है कि आप मुझे उनके साथ बतौर नर्स ही भेज दें। और अगर ना भेजूं तो क्या कर लेगी तू? शादी कर लेगी उस बुड्ढे से? अम्मी मैं नर्स हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, सारी नर्सें अपने मरीजों से शादियां कर लेती हैं क्या? लोग हमें जुबान से सिस्टर तो बोलते हैं, लेकिन दिल से समझते नहीं हैं। हम उनके लिए अव्वल और आखिर
औरत ही रहती है। मैंने कह दिया ना, बस अब तू नहीं जाएगी अस्पताल, नहीं करेगी उनकी नौकरी, बस। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम यहाँ क्यों आई हो? बात करनी थी तुमसे। चलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कल ताहिर मिला था मुझे। ये तो नहीं बताया होगा उसने तुम्हें। यही बताना है तुम्हें कि वो क्यों मिला था। तेरे संग तो जीना चाहूं। ऐसा बेहुदा ख्याल तुम लोग के जहन में आया कैसे? तुम देख नहीं रहे हो, बीमारी ने मुझको खोखला कर दिया है, मैं मर रहा हूं। तुम लोग मौत से उस बेचारी की शादी करवाना चाहते हो? खुदे दिन के आगा जी, बलवशे बशे तुमने मुझको बहुत मायूस किया है, शर्मिंदा कर दिया मुझे। अब मैं शगुफ्ता बीबी से नजरें कैसे मिलाऊंगा? लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था आगा जी। नहीं था तो ना सही, लेकिन तुम लोगों को इस तरह मेरी इज्जत वकार भरम को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं था। वो शगुफ्ता बीबी क्या सोच रही होगी कि मैं कब्र में पैर लटकाए उस जैसी जवान लड़की से शादी के ख्वाब देख लूं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही आगा जी। पलवशा बीबी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। पागल हो गई हो तुम? सोचा भी है कि तुम क्या कह रही हो? आप आराम कीजिए। तुम एक ऐसे शख्स से शादी पे आमादा हो जो दो मिनट के लिए बेड से उतरता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। साहब, आपका अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। ओ खुदाया, पता नहीं क्यों हर एक को मेरे अमेरिका जाने की फिक्र पड़ी हुई है। आगा साहब, आप आइए, आइए बैठिए। मैं आज शाम को ही खान जी के साथ तुम्हारे आपके घर आऊंगी रिश्ते की बात करने। खबरदार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आगा साहब, जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं शाम को छुट्टी लेकर अपने घर चली जाऊंगी, आप खान जी के साथ मेरे घर पर आ जाइएगा। शगुफ्ता बीबी, ये ठीक नहीं है। तुम एक गिरती हुई दीवार के साए में पनाह ढूंढ रही हो, जो गिरेगी तो तुमको कुचल देगी, मार देगी। साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले, आप लेट जाइए और ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए।
इनका आराम का वक्त है अभी। मैं मैट्रिन से बात करके अभी आती हूँ। आपका खर्चा बेशक ज्यादा है लेकिन मेरे घर की तो पहली शादी है, दुनिया दिखावा भी तो करना पड़ता है। लेकिन भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, दुकान भी जल गई है, हम तो दिनों में खाक में मिल गए। आपा मैं तो जहेज मांग भी नहीं रहा लेकिन दो चार लोगों से मेरे भी ताल्लुकात हैं। इस गंदी गली में बारात आएगी तो क्या सोचेंगे वो लोग? हॉल का खर्चा हम नहीं उठा सकते भैया। बारात तो हॉल में ही आएगी और दस्तूर के मुताबिक खाना भी होगा। मगर कैसे? अब अगर ये भी मैंने ही बताना है तो फायदा? तुम ताहिर से मशवरा कर लो, मैं जरा रफीक भाई को देख लूं। नहीं शगो, ये नहीं हो सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है अम्मी। अरे तो पागल हो गई है? हाँ शायद यही ठीक है। शगो सुन, मैं बताए दे रही हूँ, अगर उन लोगों ने इस घर में कदम रखा तो मैं उनकी इतनी बेइज्जती करूंगी कि अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैंने बुलाया उन्हें। और ताहिर, ताहिर का क्या होगा? संभाल लूंगी ताहिर को, समझ जाएगा, मजबूरी है हमारी। कोई मजबूरी नहीं है, तू उस बुड्ढे की दौलत के आगे बिछ गई है। अरे तेरी आंखें फट गई हैं, लालच ने तेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है शगो। अम्मी मैं आहा जी की मदद कर रही हूँ, नेकी है ये, मरते हुए की तकलीफ को कम करना सवाब है, सवाब कमा रही हूँ मैं। ढकोसले है ये, धोखा दे रही है खुद को। तू अपनी गर्ज और दौलत की लालच को छुपाने के लिए अपनी लालच पे कागज का पर्दा डाल रही है। लेकिन शगो मेरी एक बात याद रखना, ये पर्दा तेरे आंसुओं से, तेरे पछतावे के आंसुओं से बहुत जल्द फट जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना अम्मी, उसमें हम सबका भला है। अरे भाड़ में गया सबका भला, तू हमारी नहीं सिर्फ अपनी फिक्र कर। देख शगो अपनी उम्र से इतने बड़े मर्द से शादी करना, उस बुड्ढे जिंदा लाश को बर्दाश्त करना किसी अजाब से कम नहीं होगा। अल्लाह मालिक है अम्मी, मैं ताहिर से बात करके आती हूँ। शगो में या अल्लाह ये क्या हो रहा है? रहम कर मेरे मौला, मेरी बच्ची पर अपना रहम कर। पलवशा है, मेरा ख्याल है कि निकाह उनके घर पे होना चाहिए। हाँ बच्चा ठीक है, फिर मुझको रुख्सत करके शगुफ्ता बीबी के घर ले जाओ। क्या फजूल बातें तुम लोग कर रहे हो? नशाबाश, ये कैसी शादी है पता है? लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल लोमड़ी और गिदड़ की शादी की तरह। वो पश्तों का मिसाल सुना है? तुम्हारा वाला अर्दी बारान उरी गिदड़ वदई शगाल और तगूरी, कि सूरज भी था और बारिश भी हो रही थी और लोमड़ी की शादी हो रही थी और गिदड़ देख रहा था, ये बिल्कुल ऐसी शादी होगी। ठीक है आगा जी, निकाह हॉस्पिटल में ही होगा, तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बस चलो छोड़ो शादी वादी को, गाँव चलते हैं। नहीं 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 बाबा जान, आप अमेरिका जाएंगे। और वो भी शादी के बाद। लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त आवाज़ी हुकुम? शादी के बाद सबसे पहले मैं गांव जाऊंगा, अपने इलाके में लोगों के दरबार।
ये तो मुमकिन नहीं होगा बाबा जान, डॉक्टर आपको इजाजत नहीं देगा। डॉक्टर कौन होता है बड़ा इजाजत देने या ना देने वाला, हमने हर सूरत गांव जाना है, उन्होंने नहीं करूंगा शादी। अच्छा ठीक है आगा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और वो जायदाद के कागजात भी तैयार करवा लेना। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा पापा जान। समद खान साहब तुम कोई इतराज तो नहीं इस बात पे? कैसी बात करते हैं पापा जान, पूरा खानदान आपकी सेहत के लिए दुआ को है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और सेहत दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए पापा जान। शाबाश बच्चा है, तुमसे यही तवक्को थी समद खान बच्चा, शुक्र है तुम अपने मामे जैसे नहीं हो, उसको तो और वक्त मुंह खुला रहता है, बेकार आदमी है, तुम्हारे लिए सब कुछ है, फिक्र मत करो, सब कुछ तुम्हारा है। तुझे बिन लागे ना जुआ, तुझे बिन लागे ना जुआ। होश में तो है तू, क्या कह रहा है ये? शग्गो शादी कर रही है वो भी किसी और से? ये सच है माँ, शग्गो ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, वो आगा दुरानी नाम में एक बूढ़े और बीमार शख्स से शादी कर रही है जो कि काफी दौलतमंद है। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा बेटा और बहू रिश्ता लेने के लिए आने वाले। रबिया बिल्कुल ठीक कहती थी अम्मी। अम्मा तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया, मैं तो उस घर में अब थूकने भी ना जाऊं। मोहब्बत का खेल वो आपसे खेलती रही। जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ना हो उस बारे में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या पता नहीं है हमें? क्या नहीं पता बोल बता। गुलामी उसकी करता रहा, खिदमत और चाकरी उसने तुझसे करवाई, तुझे उल्लू बनाया और खुद दुनिया के बाजार में दौलतमंद शौहर तलाश करती रही। बहुत बड़ा बेवकूफ है तू, बेअकला अंधा करके रखा है तुम्हें। मेरी कसम अम्मा, आखिर वो हमारे रिश्तेदार है। चूल्हे में गई ऐसी रिश्तेदारी जिसमें ना रिश्तों का लिहाज हो और ना आंख में शर्म। ये फैसला शगो का है अम्मा, और मैं उसके इस फैसले की हिमायत करता हूँ ना कि उसकी। आपको मेरी खुशी की खातिर इस शादी में शरीक होना चाहिए। अब तो बात ही खत्म हो गई अम्मी, जब भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम क्यों परवाह करें? सारा जमाना बातें बनाएगा ताहिर। हमें क्या अम्मी, हम तो गैरों की तरह शरीक होकर वापस आ जाएंगे। यूं ही सही अम्मी, लेकिन मुमानी को आपका सहारा तो रहेगा। उनकी बेटी ने दौलत से घर भर लेना है, अब तहमीना भाभी को हमारे सहारे की क्या जरूरत? तू ही मेरा प्यार साजना, मुबारक शागा जी। खैर मुबारक बच्चे। बाबा जान आप अकेले? वो अटेंडेंट नमाज पढ़ने गया बच्चे। लेकिन आपको एहतियात करना चाहिए ना आगा जी। क्या वो ना गांव की क्या खबर है? बाबा जान वहाँ तो आपकी और बीबी जान के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा आगा जान, अगर आप एक दफा पहले अमेरिका चले जाते तो। नहीं बच्चे, ऑपरेशन के बाद पता नहीं वापस आने का मौका मिलता भी है कि नहीं। बाबा जान आप ऐसी बातें क्यों करते हैं बाबा जान? अच्छा ये तो एक हकीकत है, किस्मत में जो लिखा होता है वो नहीं टल सकता है, चाहे आप जुबान खोलो या ना खोलो। जब वक्त पूरा हो जाता है जानो। अरे
किस्मत हो तो शगो जैसी। 30 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, पर आज तक मुझे कोई ऐसा आशिक ना मिला। जो भी मिला वक्त गुजारने वाला मिला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस बूढ़े ने शगो में आखिर क्या देख लिया। खूबसूरत और जवान तो है वो, लेकिन इससे बढ़कर चलाक और होशियार है। मैं तो समझी थी कि वो उस बूढ़े के बेटे के चक्कर में है। बेटा तो पहले से ही बुढ़े के कंट्रोल में था, और शगो ने बुढ़े को फंसा कर अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। चलो छोड़ो, मिठाई खाओ। हूँ, तुम भी खाओ। अरे खा लो, दिल नहीं है। मैं ही खाऊंगी फिर अभी। भाभी, शगो ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया ये। और हाँ, आपने इसे ऐसा करने की इजाजत कैसे दी? मैं क्या करती सफिया, मेरा तो अपना कलेजा कट के रह गया। मेरी इतनी कम उम्र बच्ची, और वो, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मैं अपनी से बड़ी उम्र के दामाद को दुआएं कैसे दूंगी। शगो ने ये सब कुछ उसकी दौलत देखकर किया है। पता नहीं, दिलों के भेद तो खुदा ही जानता। और शगो के दिल का हाल भाभी, सबके सामने खुलकर आ गया है। माफ करना भाभी, मुझे तो लगता है कि उस पठान की दौलत का जादू ना आप पर भी चल गया है। सफिया ऐसा तो मत कहो, मेरी जान से अजीज है मुझे आप लोग और ताहे। मैंने सारी जिंदगी रूखी सूखी खाकर गुजारा किया, और अब इस उम्र में तो ये सब मेरी आंतें भी हजम नहीं कर सकेंगी। अगर ऐसे ही था ना तो इनकार कर देती आप। जवानी बड़ी मुंहजोर होती है सफिया, हमेशा जीत जाती है। और बुढ़ापा बड़ा कमजोर और मोहताज होता है, हार जाता है। मैं शगो के तेवर भांप चुकी थी। अगर मैं इनकार कर भी देती तो मुझे पता था कि वो फैसला कर चुकी है, नहीं मानेगी। और मेरा ताहिर तो रुल गया ना। खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो। तुम ये भी तो सोचो, रफीक को कितना दुख होगा ये सब कुछ जानकर। शगो से कितना प्यार करते हैं वो, अपनी दोनों बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो उससे। यही एहसास तो मुझे मारे जा रहा है। लेकिन तुम ही बताओ सफिया, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं। कुछ समझ में नहीं। सफिया, वो ना सिर्फ आपको बल्कि हम सबको बेवकूफ बनाती रही। शादी का वादा किया आपसे और अब डोली किसी और की चढ़ जाएगी। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है सफिया। हाँ भाई, कसूर तो हम सबका है जो बेवकूफों की तरह उसे इस घर की बहू बनाने की तैयारियां करते रहे। उसे इल्जाम मत दो सब, उसे शादी की इजाजत मैंने दी। अगर मैं इनकार करता तो वो भी इनकार करते। रहने दें भाई, हमें खूब अंदाजा है वो आपकी कितनी मानती है और आप। खैर जो भी हो, हमें उसकी शादी में अच्छे से शिरकत करनी है। जी नहीं, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। बुरी बात सभी, वो मानी को भी बुरा लगे। लगता है तो लगे, जब उन्हें हमारे जज्बातों का कोई एहसास नहीं है तो हम क्यों उनकी परवाह करें। तुझ संग से तेरे बिन जिया जाए ना, सैया मोरा तुझ बिन लागे ना जिया, सैया मोरा तुझ बिन लागे ना जिया।
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रबिया। जहां जाता हूँ इनकार हो जाता है, ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है। ऐसे नहीं कहते बाकी, तुम हौसला मत हारो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कब तक ऐसा होता रहेगा? मुझे तो लगता है जैसे ये सब कुछ बाबूजी की बदवाओं की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कहते बाबूजी, कभी किसी को बदवा नहीं देते। हाँ तो रबिया, इससे पहले बाबूजी के साथ कभी किसी ने इतना बुरा भी तो नहीं किया होगा ना? और जो कुछ हमने किया है ना, उसके बाद बाबूजी के दिल से हमारे लिए सिर्फ बद्दुआ ही निकल सकती है, बस। तो तुम चाहते क्या हो बाकिर? देखो रबिया, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम बाबूजी के पास जाकर उनके पैरों में बैठकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे, बस। बहुत सख्त है वो बाकिर, वो कभी भी नहीं मानेंगे। देखो मैं जानता हूँ वो नहीं मानेंगे, लेकिन रबिया हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ना। हम हैं उनके गुनहगार, जब तक वो हमें माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह मियां भी हमें माफ नहीं करेगा ना, है ना? आ रही है ना बात समझ में? देखा, इसी वक्त के लिए तुझे समझाया करती थी कि मेरी बात मान लेते हैं मीना, अपनी बेटी की लगाम में खींच के रख, वरना जवानी की सड़क पे दौड़ती फिरेगी। वही हुआ ना, चढ़ा दिया ना चांद उसने। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया पा। हेलो, अभी और कुछ करना बाकी है? अभी और क्या करेगी? उस बुढ़े खुसट के साथ इश्क में टक्का लड़ा के शादी करने तो जा रही है, अभी और क्या करना बाकी है? पापा, वो शादी कर रही है ना, कोई गुनाह नहीं कर रही, किसी को कत्ल नहीं कर रही, किसी का जेवर चुरा कर नहीं भाग रही। रही बात उस बुढ़े शौहर की, तो शगो अपना बुरा भला खूब जानती है। अगर वो शादी कर रही है ना, तो भुगतेगी हमारी बला से। हाय हाय, कितनी सवित्री बन रही हो। ए, साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि अब तुम दोनों माँ बेटी से ना सबर नहीं होता, लालच ने मत मार दिया तुम दोनों की, फाके नहीं होते अब तुम दोनों से। शर्म करो, जवान बेटी को दौलत के लिए तुमने बेच डाला। ये क्या कह रही हो तुम, बंद करो अपनी बकवास। क्यों ना बोलूं, जब मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था तो मरहूम शौहर की बड़ी दुहाइयां दे रही थी और सास की आखिरी सांसों की लाज आ रही थी। भुला दिया वो सब कुछ? अब तुम्हें सलीम की जबान का कोई पास नहीं रहा, इसलिए ना कि ताहिर जो था वो एक दुकान का मालिक था और मेरा बेटा बेचारा गरीब था, और उस बुढ़े की जो दौलत है वो ताहिर पे हावी हो गई। बड़ी चलाक औरत हो तुम। खुदा की कसम, आप ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद अपनी सास और मरहूम सलीम की रूह से शर्मिंदा हूँ। मैं क्यामत के रोज उनसे नजरें कैसे मिला सकूंगी? ऐसे ही नजर मिलाना जैसे अब हम सब से आंख मिलाती फिर रही हो। खुदा ही पूछे तुम माँ बेटियों को, अल्लाह माफ करे। हैं तुम लोगों ने उनसे कह दिया कि शादी सादगी से होगी? बिल्कुल जी आगा जी, मैंने उन्हें फोन किया था, आपकी हिदायत के मुताबिक सब कुछ सादगी से होगा, कोई एहतमाम नहीं होगा ना। और दूसरी बात, शगुफ्ता बीबी की सहेलियों और स्टाफ के जो लोग हैं उनको मिठाइयां और तोहफे भी दे देना। जी बाबा जान के लिए निकाह का सूट मंगवा। हाँ वो मैं आज इधर नहीं रहूंगा, तुम लोग के साथ घर चलूंगा। ये मुमकिन नहीं होगा बाबा जान, आज की रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह डॉक्टर की हिदायत के बाद हम गांव के लिए निकल जाएंगे। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए मनहूस साबित हुई है, बेहतर उससे जल्द से जल्द छुटकारा पा लो। ये कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? हमें उसकी वजह से वो घर छोड़ना पड़ा, वो मोहल्ला, सब कुछ छोड़ना पड़ा। तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम धक्के खाते फिर रहे हो,
अभी कहते हैं वो मनहूस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, देखिए रवि हमारी मदद करने की कोशिश कर तो रही है ना, और रही बात मेरी नौकरी की तो वो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हो जाएगी। तुम्हारी समझ में मेरी बात कभी नहीं आएगी, तुम उसकी मोहब्बत में ख्वार हो गए हो फिर भी उसके नाम की माला जपने में मसरूफ हो। देखिए अम्मी, रविया ने मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरे इश्क के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है। अब अगर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, उस मनहूस लड़की के साये की वजह से मेरे घर का सुख चैन लूट गया। अब अगर तुम उसे घर से नहीं निकालोगे तो हमारी मुसीबतों के दिन कभी नहीं टलेंगे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं आपा कि शग्गो बचपन से ही दौलत की भूखी रही है, रुपया पैसा उसकी कमजोरी रही है, जिसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, सो उसने ऐसा किया भी। तूने जिसके लिए अपने दिन रात चैन सुकून बर्बाद किया उसने क्या किया, छोड़कर चली गई ना तुझे? अगर गई है तो बहुत जल्द वापस भी जरूर आ जाएगी। असल बात यह है भाभी के तुम ये मकान मुझसे खरीद ही लो, ईमान से बाजार के भाव से 4 पैसे कम में बेच दूंगा। ये मेरे बस में नहीं है। तो अपने बूढ़े दामाद से कहो ना, वो खरीद के दे देगा। आखिर उसके पैसे पे तुम्हारा हक भी तो है।